रहा था कि शहर में कोई नया स्प्रे स्प्रे आया है, फसल की कटाई का टाइम है। मैं सोच रहा हूँ कल शहर हो ही आऊँ। वीर जी तुसी क्यों जानते हो, मैं जाके ले आना। वो तू पिंकू नाल बैठ के दूध पी, वो तेरे बस का काम नहीं है। ओ जग्गी, ओ जिंदगी के जाने में कोई हर्ज नहीं, जान दे। छड्डो बाबू जी, वो कुछ का कुछ ले आना, इसने नक पोंछना तो आता नहीं, खेत संभालने की गल कर रहे हो तुसी। महावीर सिंह अपने बड़े बेटे जोगिंदर, बहु मनप्रीत, पोते पिंकू और छोटे बेटे राजेंद्र के साथ गुरदासपुर में रहता था। उनके घर में जोगिंदर की ही मर्जी चलती थी, जिससे राजेंद्र मनी मन चिढ़ने लगा था। आखिर राजेंद्र ने जोगिंदर की गैर मौजूदगी में अपने दादा की वसीयत के अनुसार जमीन का बंटवारा करने का निश्चय कर लिया। घर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जमीन का बंटवारा तो मैं कोई गलत काम किया, जमीन मेरी मैंने रख ली। गलत काम तो होया मेरे भाई, चंगी जमीन आप रख ली, बंजर जमीन जोगिंदर के पत्थे मरती। ओ पटवारी, तेरा काम है कागज बनाना, बाबूजी ने खुद अंगूठा लगाया इन कागजों पे, और मुझे मेरे कागज मिल गए, तुझे तेरे पैसे। उन जाए तो भाषण सुनाने चला है, चंगी जमीन चल। बाबूजी घर चलो, बाबूजी हुण की सोचन लगे हो। ओए जिंदी पुत्र, ओए जग्गी का राह तो देख लेना था। जब वीर जी ने बीजी दे सारे गहने बेचे तो मेरा रास्ता देखा था। क्यों वेराची, बोल तो ऐवे बोल रहा है जिवे तेरी पढ़ाई का खर्चा ते पीपल वाली छुड़ैल देंदी सी। पीछे दे गहने ना बेचते तो क्या तेरा पाई खुद को बेचता। वाह पर जाए जी वाह, तेरा आदमी गलत काम करे तो कानून, और मैं कानूनी काम भी करा थे गलत। जो जमीन मेरी थी मैंने ले ली, और मैं छोटा नहीं रहा पर जाए जी, जो वीर जी का हर रूप मानना। नहीं बे वड़ा स्याणा हो गया है तू, ते हार तोड़ा इतने, पर जब फसल पकी ते खेत तेरा, तू तो पहले क्यों नहीं ले लेता सी। देख परजाई, आदमी दे विच दखल ना दिया कर, जो गल करनी होगी वीर जी करांगे, मैंने निबट लेना है। तो इस बार तो कमाल हो गया, ऐसी खाद लेकर आया हूं शहर से कि जब फसल उगेगी तो पूरा पिंड जल के राख हो जाएगा राख, और बोलेगा कि जमीन से सोना तो एक ही जट निकाल सकता है, और वो है जोगिंदर। वो घर में बड़ी चुप्पी आज, सब जल्दी सो गए, और तू भी एकदम चुप है। मैं गल की है तो रोटी खा ले तो बोलू। भाई वाह, ये तो सौ रब दी। भाई मैं तो ठहरा जट, सिर्फ गेहूं उगाता हूं, पर तू जादूगरनी है जादूगरनी, मेरा गेहूं तेरे हाथों मिश्री बन जाता है। अब राजी के हाथों में तो मेहंदी लगी है, पता नहीं कब सयाना होएगा, खेतों में जाके काम करेगा। चार रोटी ज्यादा पा दी भाई, सवेरे खेत में जाना है, और इस बार अगर अच्छी फसल ना हुई और बड़ी मंडी ना ले गया तो समझ ले मैं जिंदगी में कुछ नहीं किया। रितु क्यों यार, देख अगर पिंड में किसी ने तेरे को कोई उल्टी सीधी गल की है ना तो बता, खेत में जिंदा गाड़ दूंगा। बोल, राजी ने खेत अपने नाम कर लेता। की कह रही है तू, दिमाग खराब है तेरा? दिमाग खराब हुआ है राजी दा, बाबूजी ते दाल मिलके खेता दा बंटवारा कर लेते। खेता दा बंटवारा ते राजी ने? हाँ, चंगी जमीन देखो दबाली ते बंजा तेरे मत्थे ठोक दीती। की करो जी, रोटी छोड़ना कुछ अग नहीं होता है, और जट की जमीन जाने से बड़ा कुछ अगन कुछ नहीं होता। अब देख तू, मैं गुस्से में तुझसे पागल हो जाते हो जी, दिमाग मार रहा है। तू नाक बार कहे, तू आदमियों के बीच मत बोला कर, तो तेरे को भी ठंडा कर दूंगा। सुनो जी सुनो, अरे
तो की कर रही है? तुझसे मेरे पीछे खेतों का बंटवारा करता है? ओह, असल काम तेरा है वीर जी। परसों पहले जमीन दादे ने मेरे नाम कर दी थी, ते जे जमीन कानूनी मेरी थी मैंने ले ली। ओए सदके जाऊं तेरे, कानूनी कानून सिखा रहे तू मैनू है? पजामे का नारा तो बनना नहीं आया और पगड़ बांधने चलाई तू? खून पसीना मेरा और जब फसल पक के तैयार हुई तो हक तेरा। और बाबूजी तुसी भी कुछ नहीं कहता, चुपचाप जुल्म में शरीक हो लिए। मैंने एक गल दसो, उस बंजर जमीन का मैं की करा? अपने बीवी बच्चा नु गड्ढन वास्ते दित्ती मैनू जमीन? तो तब तक वीर जी मेरे खेतों में काम करके अनाज कमाया। बाली वीर कान को तू मैनू अनाज देता और छोड़ा मैनू? मैं छोटा नहीं रहा, वो पता लग रहा है मैनू तू छोटा नहीं रहा। पर एक गल याद रखी, ये जट का हाथ है, ये बंजर जमीन को भी हरा भरा कर देगा। पर तेरी हरी भरी जिंदगी जब बंजर ना कितनी तो मैं आदमी का पुत्र नहीं। कर लिया ना बंटवारा, हुण हो गया ना खुश। मैं क्या होर कोई कमी बेशी रह गई तो वो भी पूरी कर ले। तू भी पक्की परजाई दी पैण है खट दिमाग, आदमी दी गल समझ आए ना है मुंह जरूर मारना। और कर सान जाए खेत नी, तू की चांदी है? मैं जिंदगी भर वीर जी दी गुलामी करता फिरा और अब मैं छोटा नहीं रहा है, बता देता है मैं वीर जी ने। बड़ा चंगा किता है वीर जी ने, सारे गहने बेच खाए मेरे पीछे वीर जी ने, और तेरे वास्ते भी नहीं छोड़ा एक। और छोड़ने भी तो किस काम आता? क्या लगता है तेने? अब जीजा जी मेरा ब्याह तेरे साथ कराने वास्ते राजी होंगे? बोल जा। ओए तू राजी तो मैं राजी, मैनू दुनिया की परवाह नहीं करनी आई, असि गुरुद्वारे जाके मत्था टेक के फेरे ले लेने। देख राजी मेरे वास्ते इन्ना आसान नहीं है, बाऊ जी तो पूछे बगैर मैं किस तरह करांगी? सोचा था सब कुछ खुशी खुशी हो जाना है, पर तूने तो सब तो पानी फेर दिया। और चल झगड़ा हम भाइयों में, तुम पहनों में तो एक है ना, पहच कर भरजाई दे खोल जा तो उन्हू कह के अपने आदमी ने समझा, रब जाने ऐसी मान जाए। मान जाए? देख मैं तो एक बारी अपना गुस्सा पी भी जावा, पर हे तेरा जी का खून पी के भी नहीं मानने वाले। भैन जी तुसी ते सारा कसूर राजी दे मत्थे डाल जीजा जी नू बचा रहे हो, उना दे आगे कदी भी किसी दी चली है? ओए सदके जावा अमरजीत, ओए व्याह हुआ नहीं ते तरफदारी करन लग पई? हां ओ गल नहीं है भैन जी, भाइयों ते झगड़े विच मेरे पिसने तो तुसी खुश होगे। ओए जी तो इस झगड़े फसाद से कौन खुश है? पिता पुत्र गल करने में की हर्ष है, हो सकता है दोनों भाइयों को मिलाने के वास्ते यह ब्याह होए, तू जोगिंदर से गलते कर। लस्सी लिया थोड़े वास्ते? नहीं जी नहीं, मेरा आज मैं कार गई सी पाउची ते चीतू नू मिलन वास्ते। सब राजी खुशी है? हाँ जी, ओ बाऊजी चीतू दा व्याह करन दी सोच रहे हैं। मैनू भी परवाह हैगी जीतू दे व्याह दी, की करा दस तू? तेरे सामने ये सब कुछ कुछ छुपया तो है नहीं, मैं तो सोचा सी इस फसल तो ब्याह कर ही देना है, पर तुसी पैसे दी फिक्र ना करो जी, ओ जीतू दा ब्याह राजी नाल। राजी केड़ा? ए अपना राजी? हाँ जी। दिमाग ठीक है तेरा? दोनों एक दूसरे को चाहते ने, ते बाऊजी ने सोचा कि जा जोगिंदर नु सुना जाके खुशखबरी, बड़ा खुश होएगा, बंजर जमीन ते पंगड़ा करन लग पाया है ना।
तुसी मेरी गल नहीं समझे जी। तू समझ ले मेरी गल बस। जीतो का ब्याह राजी से नहीं होने देना मैं। उसकी जिंदगी में खुशी के टोल नहीं बजने देने मैं। उसका तो वो हाल करके छड़ना है कि पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा कोई बस। जी जीतू का भी तो सोचो, और उस तो इतना चांदी है तो उसके दिमाग में ये बात बिठा दे कि ये व्याह मैं नहीं होने देना बस। जी जाओ आप ही समझा देना। कितने चल रही हूं? गेहूं खत्म हो गया है, पड़ी की दुकान तो लेनी लदे मैनू। जो बनिया हमसे गेहूं ले जाता था अब उसके पास हमें जाना पड़ रहा है। ओ जोगिंद्रा, वड्डी मंडी में फसल नहीं बिकी जो तेरा रास्ता भूल गया। लाना 10 किलो गेहूं तोल दे। क्यों, तराजू तो है मेरे पास जोगिंद्रा, पैसे हैं तेरे पास? बरसों के लेन देन के बाद आज तू मेरे को व्यापार सिखा रहे लाला? क्यों भाई, मैंने कोई गलत बोला? भाई मैं यहाँ बैठा हूँ चार पैसे कमाने के लिए, खराद बांटने के लिए तो नहीं। खराद बचा के रख अपने पेओ के वास्ते। आज मेरे बुरे दिन आए तो तेरी जुबान निकल आई। भाई मैं यहाँ बैठा हूँ चार पैसे कमाने के लिए, खराद बांटने के लिए तो नहीं। तू मेरे को लख मारेगा? मैं देख लू कि बड़ा सूरमा है, मार के भी खाता है, मारता है बड़ा सूरमा आ गया तू। हट उसकी सुंदरता। राजेंद्र को यकीन था कि आग जोगिंदर ने ही लगाई है। इस हादसे से उनका झगड़ा दुश्मनी में बदल गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों ने अपना चूल्हा चौका अलग कर लिया। पाउजी कार्ड नाल मैनु भी अलग कर दिता, झगड़ा ते पाई होता ते पराई हो गई मैं। नहीं 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 पुत्र नहीं, मैं सोचा कि प्रीतू मेरे वास्ते क्यों रोटी डालेगी? राजी ब्याह करके वोटी ले आए ना तो हमेशा रोटी डालना बंद कर दूंगी। बाजी राजी मेरी जीतू दे नाल ब्याह करना चाहता है। जीतू? अमरजीत तेरी भैन जी। पर पुत्र जग्गी तैयार है इस ब्याह के वास्ते? जीतू को बुलाया इनसे गल करने वास्ते। देखो आगे रब दी मर्जी। और जीतू तू उससे ब्याह करेगी जिसने तेरे जीजा के खेत छीन लिए, तेरी पैर को दाने दाने वास्ते मोहताज कर दिया, उससे ब्याह करेगी तू? सारी गलती राजी दी भी नहीं है, पूरा पिंड जानता है। ओदे अनाज नू तू ही आग लाई है। चुप, तेरी जुबान कट के फेंक देनी मैं, बकवास की थी ता। ब्याह तो मैंने राजी से ही करना है, फिर चाहे जो हो।
ऐसे ही आग में भूला हो रहा है। इस ब्याह में कोई नुकसान नहीं, एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोचे। हेलो बच्ची लस बस पुत्रा इन ब्याह जी क्या हुआ? एक वो है जो अपने आदमी के लिए मेरी पकड़ उछाल गई, और एक तू है। एक गल के हमसे सुन ले, अगर ये शादी हो गई ना तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुसी सोए नहीं बाऊजी? ऐसे माहौल में की नींद आनी है पुत्र। उन बस भी करो बाऊजी। ओए चिंदी पुत्र, ओ मेरी गल मान, बैर ना बढ़ा पुत्र, ब्याह टाल दे। जग्गी का गुस्सा दूर हो जाए तो ब्याह कर लेना। ते हो गया मेरा ब्याह, जब वो मेरी खुशी नहीं देख सकता तो फिर मैं किस वास्ते उसकी परवाह करा? पुत्र वो तेरा बड़ा अपराध है, तू एक बार उसके पास तो जा, पैरी पोना कर, उसका गुस्सा दूर हो जाना। देखो बाऊ जी, ना मैंने जाना है ना पैरी पोना करना है, उसने आना है ब्याह में तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए। तो फिर मेरी गल भी सुन ले, मैंने भी ब्याह में नहीं जाना। ये मर्जी है तो फिर यही सही। जोगिंदर की नाराजगी और मनप्रीत के लाख समझाने के बावजूद अमरजीत और राजेंद्र ने शादी करने का फैसला कर लिया। गुरनाम सिंह ने सोचा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जोगिंदर को यकीन होने लगा था कि अगर मनप्रीत दिल से चाहती तो वो ये शादी रुकवा सकती थी। कोशिश करती तू, अगर तू चाहती तो नहीं हो सकता है। ये सब तेरा किया था। जोगिंदरा बरात में नहीं आ रहा? भाई खेतों में काम होगा। वो खेत वापस लेने वास्ते साली भी आ दी। वो तू नहीं आता तो ना बीवी नू भेज दे, बहन है उसकी। बरात आ गई बाबूजी, मैंने जाना है बाबूजी, बरात आ गई। तब 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 तू कितने चल दी? देखो जी, पराए बरात में हूँ और हम ना हो करदा पे आए, इसलिए मैं सोचिया। हेलो जी, बरात आ गई। हाँ जा पुत्र, चाचे का ब्याह है, जा। देखो जी, तुसी चल पड़ोगे तो बाऊजी ने ब्याह जाना है, फिर बरात दिखवानी तो हमने ही करनी है ना जी, पराई करो तो चंगा लगता है। देखो जी, छोटा पाई है तुहाडा, हुण नाराजगी छोड़ो, चल पड़ो। मैं तुहाडे लई कपड़े निकाल के रखे है, तुसी पा लो। पानी दे जरा। हाँ जी, हुणे लाई।
गया बहन जी, तुसी किस तरह जल गए? मैं तैनू क्या सी व्याह डाकर तेरे ची चाची ने मैंने चला दिता है मैंनू। बहन जी जल्दी अस्पताल लेके चलो। कमराओनी कमराओनी सा चल रही है। ये क्या कर दिया तूने है? उस समय अंजाम भी भूल गया, हूं की होएगा सोचिए। चलो चुको चुको कर ले जली, चलो उठो। जग्गी, पिंड वालों ने तुझे नहीं देखा है? चल उठ, पाचा बाकी मैं सब संभाल लेना। उठ उठ उठ, चल उठ सोरिया, हूं चल उठ, मैं संभाल लेना सर, चल उठ। तुसी अपने अपने घर जाओ जी, मेहरबानी करो विष्णु ले जाओ। बाहर खड़ी भीड़ में से किसी ने पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर नासिर हुसैन को इस हादसे की खबर कर दी। इंस्पेक्टर हुसैन तुरंत जोगिंदर के घर के लिए रवाना हो गए। ना ना पुत्र, बस बस थोड़ी देर हो, अब आराम आ जाएगा, गुरु पली करेगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बहू जी हूं सोचने का वक्त नहीं है, बहन जी की हालत बड़ी नाजुक है, इन्हें अस्पताल लेके चलो। पुत्र जिंदी गया इंतजाम कर, बस आंदा ही होएगा। ले आ गया, बहन जी ने तुरंत आ जाना है, गड्डी भी साथ लानी है। बहन जी की मस्ती गल नहीं है, हमने अस्पताल लेके जाना है। पुत्र बहन जी एक बार लेप लगा लेन दे, बस फिर गड्डी पा के अस्पताल ले जाना है। पता नहीं तब तक बहन जी। ना ना पुत्र, प्रीतो की गल सारे पिंड वालों ने सुनी होगी। फिर की होए? अब तक तो किसी ने जाके पुलिस को भी इतला दे दी होगी। वो देखो जब पुलिस आए ना तो अपना मुंह बंद रखना, जो बात करनी है ना मैं करूंगा। भाऊजी तुसी कहना चाहते हो कि दिए प्रीतो तेरी बहन है तो मेरी भी तो कुड़ी है, मैनू भी अफसोस है, लेकिन पुत्र घर की इज्जत ऐसे सड़क पे नीलाम नहीं करते हैं। और वैसे भी तुम लोगों ने कौन सी कसर छोड़ी है? भाऊजी तुसी जीजे नु बचा दो। बस बस बहुत हो गया। साहब जी है घर जल्दी जा देख, वैद क्यों नहीं आया? जी सत्याकाल थानेदार साहब, इसे भी तो हॉस्पिटल करने लगे। जी बैद जी आ जाए जरा लेप लगा दे तो फिर। और सरदार जी है, बैद जी के पास का रोग नहीं है। ओए जल्दी ले चले से देख। मैं भी बैद जी के साथ जाती हूं। ये जल कैसे गई? वो जी चाय बना रही थी स्टोव पे फट गया। साफा किसका सरदार जी? ये
ये साफा किसका है? ये तो जी जोगिंदर प्राजी का है। जोगिंदर का है? पुत्र ऐसा किस तरह हो गया? बाबू जी मैंने नहीं पता है नानू की होया सी पार परात आ गई सी। देखो जी छोटा पाई है तुहाडा, हुण नाराजगी छोड़ो, चल पड़ो, मैं तुहाडे लई कपड़े निकाल के रखे है, तुसी पा लो। पानी, चल पानी पानी दे जरा मैं। हाँ जी हुणे लाई पानी लाई। लो जी पानी, लो जी जल्दी करो। और बाजू से तुम्हार बाहर था अचानक इन्होंने मेरे ऊपर मिट्टी करते डाल दिया। मैं बाहर भागी जी, रब जाने नानू की सोची। सारा कसूर मेरा ही सर बहन जी, जी मैं थोड़ी गल मान ले दी। वही ना लाडो ना रोना खुशक नहीं होती। वेक मैंने ठीक हो जाना आप कितना वक्त देते हैं? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। आधा घंटा? डॉक्टर अली, किसी मरते आदमी का बयान मजिस्ट्रेट के सामने लेना होता है और इतनी देर में मैं मजिस्ट्रेट को नहीं बुला पाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए, उसकी दिमागी हालत कैसी है? क्या वो बयान दे सकती है? इंस्पेक्टर साहब मैं तो खुद हैरान हूं कि इतना जलने के बाद भी उसकी दिमागी हालत बिल्कुल नॉर्मल है। उसे सब याद है, वो सबको पहचान रही है, अपने पिता बहन। यानी कि उसकी दिमागी हालत बिल्कुल सही है? यस 100%। तो फिर एक काम करते हैं, उसका बयान मुझे ही लेना होगा और आपको उसकी गवाही देनी होगी। ठीक है कम क्विक। रब का भरोसा रख पुत्रा, सब ठीक हो जाना है। माफ करिए मुझे इनका बयान लेना है। ओ जी इसकी हालत तो देखो, आपको बयान की पड़ी है। डॉक्टर डॉक्टर कुछ करो डॉक्टर। हालात समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये जरूरी ना होता तो मैं ये तकलीफ आपको नहीं देता। प्लीज आपका नाम और उम्र? डाइंग डिक्लेरेशन यानी मरते आदमी का बयान एक मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया जाता है, लेकिन मनप्रीत मौत की कगार पर थी इसलिए इंस्पेक्टर नासिर हुसैन ने वक्त न गंवाते हुए मनप्रीत का बयान खुद ही ले लिया। मनप्रीत ने इंस्पेक्टर को दोनों भाइयों के झगड़े, खेतों के बंटवारे से लेकर उसे जलाने तक की एक एक बात बताई। आप यहाँ पे अपना अंगूठे का निशान लगा सकती हैं। आइए आपके सामने बयान लिया गया है, बतौर गवाह आप साइन करिए यहाँ पे।
राम सिंह जी इंस्पेक्टर नासिर हुसैन ने मनप्रीत के डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर जोगिंदर के खिलाफ अपनी पत्नी को जलाकर मार डालने का आरोप लिखा और जोगिंदर को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंचे। खुद उसी से पूछ लूंगा, आप बस मुझे यह बताओ कि जोगिंदर कहां है। मैं देखिए सरदार सिंह, आप जुर्म छुपाने के चक्कर में लपेटे में आ सकते हैं, मुझे यह बताओ कि जोगिंदर कहां है। मैं कहना जी मैं नहीं पता जी। बच्चा का नहीं सरदार जी, वो ढूंढ तो उसे मैं लूंगा जी। तुम जोगिंदर को पहचानते हो ना? आओ। आओ जी। चल 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 जल्दी आओ। आओ बैठो भाई। चल। बीवी को मारने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हाँ वो मर गई है, गिरफ्तार कर ले से। मैं जगीर वहां से नहीं लगा रेडी। पर बहू जी, पर जय जी का बयान है, इंस्पेक्टर ने दस्तखत लिए सर थे मेरे भी, मैं क्या कर सकता। ओए इस तरह बदला ना चाड़, तुझे कहा था ना बैर ना बढ़ा ना बढ़ा ना बढ़ा, बैर टाल दे। पता नहीं है जग्गी के गुस्से का, गुस्से में कुछ भी कर देता है। बाबू जी, जिसने फ्रेंड जी ने जलाया उसी तरफ सारी चंगी गल नहीं आएगी। चुप कर रहे तीतो के जलने का मुझे भी अफसोस है, लेकिन मैं जींदे का स्यापा नहीं कर सकता। जगी मेरा पुत्र है, उसके वास्ते मेरा कोई फर्ज है। सुन ले, मैंने वकील से सारी बात कर ली है, अदालत में जाके कह देना दस्तखत तेरे नहीं है, समझ गया है ना? हाँ जी। चलना, मैनु होर भी काम है। खबरदार खबरदार, जो तूने जीजे नु बचाया तो ओ वड्डा भाई है मेरा। ओए वाह, ओए वड्डी जल्दी याद आ गया तेनू, वड्डा भाई है तेरा। हुण याद आया जे मेरी भैण जग के मर गई। राजी, तेनू मेरी सौ, मैंने फिर कुछ कर लेना है। राजी नहीं जी, मैनू ते मालूम ही नहीं कि परजाय जी ने कोई बयान दिता सी। यानी मनप्रीत के डाई डिक्लेरेशन पर आपके दस्तखत नहीं है? वो दस्तखत आपने नहीं किए? नहीं जी, वो तो थानेदार साहब ने कोई कानूनी काम बोल के सफा कागज पे दस्तखत लिए थे जी। योर ऑनर, दबाव में आकर गवाह अपना बयान बदल रहा है। योर ऑनर, जिस डाइंग डिक्लेरेशन पर दस्तखत तक ना हो, जो मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में लिया गया हो,
उसे सबूत बनाकर अदालत में कैसे पेश किया जा सकता है? इंस्पेक्टर नासिर हुसैन के पास इतना वक्त नहीं था कि वो मजिस्ट्रेट को बुला सके, इसलिए उन्होंने खुद ही बयान लिया। मनप्रीत का पूरा जिस्म जल चुका था योनर, इसीलिए वो अपने बयान पर अंगूठा तक नहीं लगा पाई। मौके की नजाकत और वक्त का तकाजा देखने की जरूरत है योनर। मौत की कगार पर खड़ी कोई औरत अपने पति पर झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? और डॉक्टर हक्सर अली, इंस्पेक्टर नासिर हुसैन किसी बेगुनाह को फंसाना क्यों चाहेंगे जिसे वो जानते तक नहीं? जोगिंदर सिंह हर हाल में राजेंद्र और अपनी साली अमरजीत की शादी रोकना चाहता था। उसने मनप्रीत से शादी रोकने को कहा और जब वो नहीं रोक पाई तो गुस्से की आग में अंधे होकर उसने अपनी पत्नी को ही जला डाला। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि हालात के मद्देनजर इस डाइट डिक्लेरेशन को ही ठोस सबूत मान लें। हालात को मद्देनजर रखते हुए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे स्टोव और गांव वालों को दिए मनप्रीत के बयान के मद्देनजर सेशंस कोर्ट ने मनप्रीत के बिना दस्तखत वाले डाइंग डिक्लेरेशन को प्राइमा फेसी एविडेंस मानते हुए जोगिंदर को मनप्रीत की हत्या का जिम्मेदार माना और उसे फांसी की सजा सुनाई। पुत्र, घबराने की जरूरत नहीं है, है? मैंने वकील से बात कर ली है, तेरे को बड़ी अदालत में ले जाएंगे, मैं तेरे छुड़ा लेना, मरन नहीं देना। तो मैंने मारा दर्द, मैंने उस प्रीता को जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, हर खुशी दी उसने मेरे को, उसको मैंने अपने अहम के रास्ते मार डाला। मैं किसी अदालत में नहीं जा रहा, पुत्र पिंकू का सोचा है, है? सोचा है उसका? कबूतर मां तो उसकी पहले ही मर गई है और मैंने भी कोई सारी उम्र तो बैठे नहीं रहना, मैंने भी चले जाना है वागुरु के पास। की होएगा मेरे बाद उसका, की होएगा? दस सोच, जरा सोच, दस सोच। सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ महावीर सिंह ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने भी सेशंस कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए जोगिंदर को मनप्रीत की मौत का जिम्मेदार माना, लेकिन उसकी कम उम्र और बेटे का ख्याल करते हुए जोगिंदर की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। पोते पिंकू के साथ अभी भी गुरदासपुर में रह रहे हैं। राजेंद्र और अमरजीत भी गुरदासपुर में ही रहते हैं, हालांकि जमीनें अभी भी बटी हुई हैं। जोगिंदर पंजाब की एक जेल में उम्र कैद काट रहा है। वो सन 2003 में जेल से रिहा हो सकेगा, लेकिन उस घर में जाने की उसकी कोई इच्छा नहीं है जहां उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था।